3, 2, and 1. It's all about humanity. आप सभी लोगों को एडवांस हैप्पी होली। और इस होली के अंदर गाइस हमने एक गुलाल ब्लॉग बनाया था, मतलब गुलाल गान जो कि इसके अंदर से गुलाल बाहर आती है, जो कि गाइस पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने गाइस इसको थोड़ा गाइस वीडियो डेमो के लिए मैंने अपलोड किया था, तो उधर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया था। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने गाइस बोला था इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको गाइस इस चीज को बना के दिखाऊंगा, कैसे बनाते आपको दिखाता हूँ। और इस वीडियो जरा सी स्किप करके मत देखना, स्किप करके देखा तो मैंने इसके अंदर कौन सी इसको ज्वाइन किया आपको ए टू जेड गाइस एकदम दिमाग के ऊपर चला जाएगा, नहीं पता लगेगा तो एकदम स्किप मत। इस चीज को बनाने के लिए हमारे पास जो जो आइटम मैंने खरीद के ले गया था आपको सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस इसको बोलते हैं बॉल वाल पर, जो कि गाइस पानी इधर से इधर जाती है इसके मदद से, जब इसको घुमाते ना तब पानी जाते है इधर, जब भी इसको प्रेशर से लॉक कर देते तो इधर लॉक हो जाते है पानी को। सबसे पहले जरूरत होगी इस तरीके से UPVC सॉल्व में लिखा है, और आप चाहे तो स्क्रीन शॉट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। और गाइस आपको 4 सेंटीमीटर का एक डायमेंशन करना होगा, और ये जो गाइस पाइप का जो डायमेंशन है ना ये गाइस हाफ इंच मैंने क्यों इस्तेमाल किया आपको बता देता हूँ। गाइस हमने गाइस जो बोतल का यूज किया, बोतल की जो ढक्कन है ना इसके अंदर भी हाफ इंच ही जाता है, बड़े लगेगा ना तो इसके अंदर सेड नहीं होगा तो बाद में गाइस यार लीकेज होगा, आपको एल्बो लेना पड़ेगा। एल्बो मैंने क्यों लिया आपको वीडियो की आगे जब आपको पता लगेगा। और चाहिए गाइस 2 M-seal गाइस क्यों मैंने लिया, गाइस एकदम यार लीकेज नहीं होना चाहिए। गाइस एक साइकिल की टॉयटो, मतलब गाइस वॉल पिन भी बोल सकते हो इस तरीके से देख सकते। तो दोस्तों आप बढ़िया गाइस हमारा जो ये जो गाइस UPVC का है ना हमने कटिंग कर लिया हाफ इंच, तो इसके अंदर थोड़ा भर दूंगा ठीक है, तो इधर माफ करना पड़ेगा मेरे को, हाँ इतना ही होगा और है अच्छा होगा इतना ही आपको लेना पड़ेगा ठीक है। और इसका जो गाइस डायमेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल के जरिए से, देखो 30 सेंटीमीटर ठीक है, 30 के आप चाहे तो गाइस 32 सेंटीमीटर ले सकते हो, 32 सेंटीमीटर क्या होगा वो अच्छे वाला काम करेगा। इसके अंदर गाइस यार लीकेज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसको फिट करेंगे, तो फिट करने के लिए हमारे पास जो यू सॉल्वेंट है तो इसको खोलना पड़ेगा, तो खोलने के बाद इसके अंदर है पूरा भी और एक UPVC कटिंग कर लिया, इसका कोई डायमेंशन नहीं, आप चाहे तो इसका बड़ा भी रख सकते हो छोटा भी रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर से गुलाल फाइनली बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से ठीक है। ऊपर यू सॉल्वेंट लगा दिया मैंने, इसको ऊपर इधर डाल दो, हो गया हमारे हाथ में देख सकते हो एक नोजल है साइकिल का वॉल पिन, तो इसके इस तरीके से मतलब इसके अंदर एक होल करूंगा, होल करने के बाद कुछ इस तरीके से इसके अंदर बोतल के ऊपर नॉजल था ना वॉल पिन बोला था मैंने, तो इसको पूरा गाइस एकदम सेट कर दिया देख सकते हो। और इसके अंदर गाइस एक ट्यूब भी लगा दिया इस तरीके से, तो इसके ऊपर गाइस हमारे हाथ में जो गाइस बोतल का जो कैप था ना, तो कैप को गाइस कुछ इस तरह से सैंड पेपर से मैंने इसको एकदम होल कर लिया। होल करने के बाद गाइस ये जो गाइस हमारे जो गाइस PVC पाइप का था, तो इसको गाइस इधर गाइस सेट करूंगा कुछ इस तरीके से, तो इसको सेट करने के बाद इसको ऊपर गाइस MC लगाऊंगा जो कि एकदम टाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बोतल का कुछ इस तरीके से लगाऊंगा देख सकते हो। तो चलिए अभी इसको फटाफट गाइस MC लगा लेते हैं, इसके ऊपर गाइस MC लगाना पड़ेगा, तो MC ले हमारे हाथ में देख सकते हो, MC को फटाफट खोल लेते हैं, MC को इस तरीके से लगा दूंगा, नहीं तो गाइस यार लीकेज हो जाएगा, तो यार लीकेज एकदम नहीं होना चाहिए, यार लीकेज होगा तो ये काम नहीं करेगा। एंड गाइस अभी इसके ऊपर हम लोग हमारे जो गुलाल है गुलाल का जो कलर है इस कलर के इसके ऊपर का अभी डालूंगा, ये जो हमारा हाथ कलर है कलर का डाल दो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा। एंड गाइस इसके
अंदर हम लोग गुलाल अभी फिलहाल भर चुका है, देख सकते हो इसका कितना गुलाल हम लोग भर लिया, इतना है गाइस गुलाल भर लिया। ठीक है, तो ये गाइस हमारे जो गुलाल के जो यार गुलाल है, तो ये है मेथी ने, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से फंसा लूंगा। ठीक है, तो फंसा लेने के बाद हमारे जैसे बोतल है, बोतल को कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, बहुत ज्यादा गाइस टाइट करना पड़ेगा, टाइट नहीं करेंगे तो इधर से यार लीकेज होगा, तो यार लीकेज नहीं होना चाहिए, देख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा अभी लगा डाल दो, कुछ इस तरीके से लगा दो, लगाना था इसके अंदर का। जब गाइस हम लोग यार भरेंगे उसके बाद इस तरह से घुमाऊंगा ना, इधर से गुलाल बाहर आया जाएगा। तो चलिए ये गाइस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एंड गाइस इसके अंदर अभी हम लोग गाइस यार भरेंगे, और यार भरने ये हमारे हाथ में यार भरना मशीन, तो चलिए इसके अंदर यार भरते। इसके अंदर अभी फुल गाइस यार है, और बहुत ज्यादा टाइट देख सकते हो, अरे उंगली गाइस अभी एकदम बैंड नहीं हो रहे। चलिए इसको गाइस खोल कर देखते हैं क्या सब में काम करते हैं। 3, 2 and 1 एकदम खत्म हो गया यार। देखा होगा कितना स्पीड से इस तरीके से मशीन से गुलाल हमारा बाहर के निकल आया। तो गाइस हवा है ना, हवा की स्पीड से गुलाल बाहर आते हैं। आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम लोग गए थे यार भरते, यार बाहर आने के लिए इसके अंदर जो भी चीज होता है, जो भी ऑब्जेक्ट, उसको भी खींच के बाहर निकल के आते। तो ये गाइस हमारा गुलाल ब्लोअर था, और ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगे तो चैनल पर जाओ सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय, जय हिंद।